आज हमारे चैनल आरके बहुजन टीवी पर बिरहा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार जी आए हुए हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सादर जय भीम करते हैं। सर, अभी होली के त्योहार पर, शायद होली के पहले भी आपकी डिबेट हुई थी, तो कई आप बार हुई है। सर पिछड़े समाज को कहीं ना कहीं ये संदेश दिए थे कि होलिका दहन या सम्मत न जलाएं या न जाएं। जी सर, उसी के आधार पर एक सवाल है। अभी जल्द ही बहुत ही निंदनीय घटना हुई है सर। कहाँ यह पर घटना हुई है? है मध्य प्रदेश के सिहोरा गांव की है। अच्छा जी सर, मध्य प्रदेश के सिहोरा गांव में सर शायद सम्मत जब जलती है उसमें कहीं ना कहीं गेहूं की बाल लेकर लोग जलाते हैं हाँ कि हाँ हुल्लड़ी हुल्लड़ी करो हाँ सर सर वही मूर्खों की बात तरह। सर। उसमें एक दलित समाज का लड़का और एक राजपूत यानी क्षत्रिय धर्म जाति का लड़का दोनों होलड़ी जलाने के लिए गए और दलित समाज का लड़का जो था अपनी गेहूं की बाल पहले डाल दिया, तो क्षत्रिय होलिका समाज के में लड़के हाँ सर क्षत्रिय समाज के लड़के को यह बात बहुत ही नागवार गुजरी और वह उस दलित के लड़के को ही होलिका में डाल दिया और उस पर 60% उसके शरीर जल चुके हैं। सर सर आप पिछड़े समाज यानी दलित समाज को इस पर क्या कहना चाहते हैं और मैसेज क्या देना चाहते हैं इस बारे में? सबसे बड़ी बात तो ये है कि समाज मुझे बेवकूफ समझ रहा है। पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं, सर मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि होलिका हमारा त्योहार नहीं है। होलिका एक शहादत दिवस के रूप में हमें मनाना चाहिए, ये शोक का त्योहार है। और दलित समाज का लड़का अगर है, पहली तो उन्होंने गलती किया कि उसे वहां जाना नहीं चाहिए। जी, ये घटना मध्य दूसरी प्रदेश की चीज है। कि अगर उन्होंने उसमें अपनी बाल को जला दिया तो छत्री पुत्र को उस लड़के को उस आग में डालना नहीं चाहिए। यहां इसीलिए देखिए, मैं बार बार अपने लोगों को सतर्क क्यों कर रहा हूं कि होलिका त्योहार नहीं है। होलिका जलाना बंद कर दीजिए, होली खेलना बंद कर दीजिए। होली जिसके लिए बनी है वो खेले। उस विषय पर, उस कहानी पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दलित समाज है जी महापुरुषों की विचारधारा से वंचित है। जी वो भाग भाग के जाके अपनी परिचय वहां दे रहा है जी कि हम भी होली। उसको तो पहली बात होली मनाना नहीं चाहिए, वहां होलिका दहन में जाना नहीं चाहिए। मैं यादव समाज से हूं, जी 5 साल हो गया मुझे, मैंने पूरे परिवार को मना कर दिया। इस बार तो हमारे गांव के लोग भी शमक जलाने नहीं गए। दो चार उद्दंड किस्म के जो बुद्धहीन टाइप के थे वही जाके थोड़ा सा वहां शमक जलाए। और मुझे फक्र हो रहा कि मेरी मेरी बातों पर जी 1700 गांव में जी शमक इस बार नहीं जला। आना 1700 गांव के लोग, झारखंड के लोग होली खेले, बिहार में 720 गांव के लोग संबक नहीं जलाए, हजारों लोगों ने होली का प्रत्याग किया। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे गांव में लोगों ने होलिका दहन करना बंद कर दिया। तो बराबर हमारे समाज में सबसे बड़ी समस्या इस बात की है कि समाज जो जानता नहीं है उसको ढोता चला जाता है, और जो जानना चाहिए उसको जानने का प्रयास नहीं करता है। जी वो बहुत ही अवांछनीय घटना है, जी बहुत ही घृणित घटना है। जी और इसीलिए मैं समानता की बात बार बार करता हूं, वहां समानता की कमी है, समानता की अधीनता है, समानता लोगों में नहीं है। छत्री लड़का जानता है कि मैं छत्री हूं, जी ये चमार का बेटा कैसे मेरे आगे खड़ा हो गया। जी इसीलिए मैं हिंदू धर्म का भी विरोध करता हूं बार बार। और इसी चीज को हमारे महापुरुषों ने कहा कि जिस धर्म में तुम्हारा सम्मान नहीं है उस धर्म की ढोने की तुम्हारी मजबूरी क्या है। ये धर्म को ढोने में केवल, ये समाज पिछड़ा समाज, SC ST समाज, धर्म को ढोने में केवल बीमारी पाल करके ये मर रहा है। जिस दिन ये समाज
पूर्ण रूप से इस धर्म को छोड़ देगा, उस दिन पूरे देश में 85 मूल निवासियों में समानता आ जाएगी और ये भारत के शासक कुंभ बन जाएंगे, यहाँ शांति ही शांति हो जाएगी। सर, आप हमारे चैनल से मध्य प्रदेश सिहोरा गांव के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं लोगों से सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप लोग शांति बनाए रखिए, सामंजस्य बनाए रखिए और आपस में मिल बांट करके इस तरीके का विवाद नहीं होना चाहिए। चाहे समुदाय जो भी हो, सभी लोग इंसान हैं, इंसानियत सबके अंदर होनी चाहिए। इस चीज को आइंदा इस तरीके की घटना से बचिए जी। खास तौर से मैं अपने दलित भाइयों के लिए कहना चाहूंगा कि आप जो है होली में जाना एकदम बंद कर दीजिए। जिस त्योहार के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं उस त्योहार को मनाना बंद कर दीजिए। अगर आपको त्योहार मनाना है तो 14 अप्रैल मनाइए। यहाँ समाज की, अपने ही समाज की विषमता है। होली में हजारों खर्च करेंगे, बाबा साहब की जयंती में टेंट घंट लगाने के लिए 50 रुपया चंदा कोई मांग देगा तो किसी के पास नहीं है, लेकिन दारू में हजारों खर्च, मुर्गा में हजारों खर्च, अबीर में, रंग में हजारों खर्च। यही विषमता हमारे समाज को कमजोर कर रही है। मैं उस गाँव के लोगों को सिर्फ ये कहना चाहूँगा, शांति बनाइए और सभ्यतापूर्ण तरीके से आप लोग गांव में रहिए और इस तरीके से त्योहारों से आप बचिए। शायद अगर हमारी भाषा को, हमारी बात को, हम 3 साल पहले इस वीडियो को छोड़े थे, अगर इस भाषा को उस गांव के लोग समझ गए होते तो शायद वो बच्चा आज आग में नहीं जलता और उस छत्री पुत्र के सामने इतनी बड़ा कलंक नहीं लगता। वो जाता ही नहीं तो उसको ठेलता ही नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें मानसिक अभाव है, मानसिक सोच के। और मैं उस गांव के लोगों को शांतिपूर्ण ढंग से रहने के लिए अपील करता हूं और सीधा फंडा मेरा है कि आप लोग ऐसे फर्जी त्योहारों से बचें। सर, आपके इस बात को मैं कहीं न कहीं अपने चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के सिहोरा गांव के लोगों को तक एक खबर जरूर पहुंचाऊंगा। एकदम पहुंचाइएगा और पूरा देश के कोने कोने तक पहुंचाइएगा। ये समाज जब तक फर्जी काम करता रहेगा, पिछड़ा समाज बराबर धोखा खाता रहेगा, ये समाज कभी अपने जीवन में विकास नहीं कर सकता। राजकुमार सर, आप हमारे चैनल पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय।